हर मुश्किल की एक पहचान होती है, मुसीबतें कुछ लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। आदरणीय श्री राजा राम जी चांडक, सृजन से लेकर विसर्जन तक समाज वह इकाई है जो किसी भी व्यक्ति का परछाई की तरह साथ देती है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम समाज निर्माण के लिए उत्कृष्ट प्रयास करें। इसी भावना के साथ संस्था की बागडोर संभाली श्री राजा राम जी चांडक ने। समय परिवर्तनशील है और इस बदलते समय की मांग को पढ़कर अगर कोई भी कार्य किया जाए तो ही वो अपने पूर्णतम उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। इसी के तहत समय समय पर आपने सामाजिक नियम और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव बदलाव किए। सन 2005 में जब पूरा इचलकरंजी शहर जल प्रकोप से जूझ रहा था, तब आपने सामाजिक पहल करके बाढ़ पीड़ितों को निशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की और सेवा सीढ़ी में श्री महेश सेवा समिति को उच्चतम पायदान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। आप मानते हैं कि वो धन सार्थक है जो मदद के लिए खर्च होता है, वो मन सार्थक है जो दुआएं पढ़ता है, वो तन सार्थक है जो सेवा कार्य करता है, और वो जीवन सार्थक है जो मानव कल्याण के अध्याय लिखता है। भवन के विस्तारीकरण के लिए निधि जुटाना व निर्माण कार्य में अधिकतम समय देकर भवन की भव्यता बढ़ाने का प्रयास करना आपके कार्यकाल की महत्वपूर्ण झलकियों में से एक है। स्वर्ण जयंती महोत्सव पर महेश सेवा समिति का मंच प्रणाम करता है आपके उज्जवल विचारों को, जिसकी छत्र छाया में रहकर आज हम ये त्योहार मना रहे हैं। आदरणीय श्री राजा राम जी चांडक।